ये जो 16 प्रकृतियाँ कही है, वे 16 प्रकृतियाँ कौन सी है उसको हम आगे गाथा में देखते हैं, 95 गाथा में देखते हैं। तो यहाँ पहले पहले गुण स्थान में कौन कौन सी चली जाती है उसकी यहाँ बात है, 16 प्रकृतियाँ कौन सी है। तो कहते हैं, मिच्छत हुंड संढा असंपत्ते अखथावरा दावम सुहुमतियं वियलिंदी निरयदु निरयाउगम मिच्छे। यानी मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्ता सुपाटिका सहन, फिर एकेंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु, ये 16 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में होती है। इसका अर्थ क्या है? ये प्रकृतियाँ मात्र मिथ्या दृष्टि के ही बनती है, सम्यक दृष्टि के तो नहीं ही बनती, परंतु कोई सम्यक्त्व से गिरकर तीसरे में आवे या सम्यक्त्व से गिरकर दूसरे में चले जाए, वहाँ भी इन प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। ख्याल में आई ना बात? ये कौन कौन सी है सारी? जो एकेंद्रिय आदि जाति देखिए, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, ये नहीं बनती है ऊपर के गुणस्थानों में। स्थावर आतप सूक्ष्म, ये सारी जो सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त, ये नहीं बनती है। नरक संबंधी, नरक गति, नरक गत्यानुपूरी, नरकायु, ये भी इसका भी बंध नहीं होता ऊपर के गुणस्थानों में। मिथ्यात्व को जो सबसे हमें देख रहे थे बंध का कारण है, वो भी यहाँ उसका भी बंध रुक जाता है। अभी सत्ता में क्या होता है, किस किस का उदय भी रुकता है, वो उदय की विच्छित्ति में देखेंगे। यहाँ तो हम बंध की विच्छित्ति देख रहे हैं, उदय की विच्छित्ति में ऐसा भी देखेंगे, एकेंद्रीय प्रकृति का उदय ही नहीं है। उदय नहीं, जब तक सम्यक्त्व है तब तक वो एकेंद्रीय में जन्म भी नहीं लेगा। तो बंध भी नहीं, उदय भी नहीं, वो प्रकृति का क्या होगा? अरे जो कुछ होना है वो अन्य रूप से होकर क्षय हो जाएगा। हाँ, वो भी कैसे होता है उसको भी देखेंगे हम। ये सत्ता में पड़े हुए प्रकृतियों में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है, वो मात्र यहाँ जीव क्या कर रहा है, तत्व विचार कर रहा है, तत्व विचार में लग रहा है, निर्णय हो रहा है उसका, तत्व विचार में लीन होते होते सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय आनंद तो प्राप्त होता ही होता है, यहाँ आनंद का उपभोग कर रहा है और वहाँ तो कितनी ही प्रकृतियों का बंध अपने आप रुकता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। कर्मों में हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, ये तो ज्ञान का गेय है।